नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजत गोवारिया। आज आपको मैं ले आया हूँ भगवान शिव की स्वयं बसाई हुई नगरी में, जिसे लोग काशी, वाराणसी और बनारस भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत नगरी है और यहाँ का माहौल ही देखते बनता है। स्वयं शिव भगवान की कृपा बरस रही है। देखो काफ़ी भीड़ है। अब हम लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है इस शहर के बारे में। बहुत ही खूबसूरत गलियाँ, बहुत ही खूबसूरत वातावरण, बहुत स्वादिष्ट भोजन, बहुत ही शानदार जगह है। अब मैं दूसरे लोगों से राय लेता हूं कि उनकी वाराणसी के बारे में क्या ख्यालत है। क्योंकि लोग बनारस घूमते नहीं, जीते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता, यहाँ के लोग कहते हैं। बनारस मतलब शहर नहीं है, बनारस है। आपको बताएगा कि जिंदगी क्या है। कहने का अर्थ है कि बनारस जो है अनोखा है, अनूठा है, इसके जैसा कोई कुछ है नहीं। अपने आप में बसा लेगा, रमा लेगा। बनारस बताएगा कि जिंदगी कैसी खूबसूरत बनाई है। पूरी दुनिया में यहाँ के जैसे लोग नहीं मिलेंगे। अल्लाह मस्त मस्त जीवन जीने वाले हैं। पूरे दुनिया में पकेला फील कर रहे हैं, पूरा डिप्रेस फील कर रहे हैं, मतलब हर तरह से आपको लग रहा है कि हमारा कोई नहीं है। तो आप बनारस में जाइए, बनारस आपको अपना लेता है। यहाँ पे जो अकेलेपन से एकांत की अनुभूति होती है, वो बनारस एक सफर कराता है। गड़गड़ में बाबा की कृपा, यहाँ आते हो आप सारी समस्याएं भूल जाते हो। आप हर चीज में कहीं ना कहीं बाबा को जोड़ना जरूर है, चाहे जो भी हो। कहे कि उनके बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। कितनी बड़ी समस्याएं हो, महादेव पर छोड़ दो तो आप एकदम मस्त हो जाते हो। आप देखा हो, बनारसी बड़ा मस्त रहते हैं। पक्कड़ फकीर की तरह बाबा बोले कि नगरी में हिंदू मुसलमान मिल के एक जगह एक घाट पे रहने, पानी पीने, खाना खाने वाले लोग हैं। ईद है, दिवाली है, कोई भी त्यौहार है, सब मिलके मनाते और बहुत जश्न से मनाते हैं। बनारस गलियों का शहर है, यहाँ बहुत सकरी सकरी गलियाँ हैं। आप गलियों को घूमिएगा जरूर। ये खाने पीने का शहर है, पूरी मस्ती का शहर है। ये नाश्ता सुबह का यहाँ का बहुत खास है। आप यहाँ सुबह सुबह जा सकते हैं गंगा घाट किनारे, वहाँ कचौड़ी खाइए, जलेबी खाइए। यहाँ लोग अपना 2-3 घंटा जब तक गप नहीं करेंगे तब तुमका खाना दाना पानी पचेगा नहीं। कहते यहाँ के पानी में मस्ती भरी हुई है। पहले चाय पिलाएगा, फिर पानी खिलाएगा, फिर पूछेगा क्या हाल चाल है, आप कैसे हो। तो यहाँ किसी को क्या करके बुलाते हैं, जैसे बुलाना है का हो गुरु, का हलवा, तो वो जवाब देता है बढ़िया वाह, तू बतावा। भैया यहाँ पे जो है सब गुरु है, कौनो चेला नहीं है। तो एक कहावत है यहाँ की, यहाँ का बच्चा बच्चा है ज्ञानी, क्योंकि हमारे बाबा हैं औगड़ मसानी। हम कोई पान खाने की आदत थोड़ी है, चले आए खाने। 5-6 तो मैं ही खा जाता हूँ दिन भर में। चाय के बाद पान नहीं, चाय के साथ सिगरेट पीते हैं लोग ज्यादातर। चाय पीने के बाद थोड़ा जुबान को पान चाहता है। लड़की से टेंशन हो, एग्जाम में नंबर कम आया हो या नौकरी ना मिली हो, एक बार जाइए पान खाइए, सब भूल जाएंगे। बनारस का पान फेमस है और यहाँ की बनारसी साड़ियाँ। बनारसी साड़ी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध होती है। ऐश्वर्या राय की शादी में गई थी 5 लाख रुपए की, और अंबानी फैमिली में जो शादी हुई है उसमें साड़ियाँ गई थी 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए तक की। अनुष्का शर्मा ने जो अपनी शादी में साड़ी पहनी थी ना, ये बनारस चौक से गई थी। वैसे तो बनारस में देखा जाए तो गाली बहुत फेमस है। जैसे आप बोले भांग, पान और यहाँ का जाम, ये भी यहाँ के मेन सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठंडे की दुकानों पर जाएंगे तो वहाँ आपको पूछा जाएगा कि आप नॉर्मल लेंगे या फिर भांग के साथ लेंगे। हल्का डाल दे लाइट। क्या? भांग। नहीं नहीं, भांग नहीं। यहाँ के लोगों को भांग की जरूरत नहीं, जो बाहरी आते हैं उनको भांग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ की हवा में ही नशा है।